अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन खान किचन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम आसान बहुत ही यम्मी चिकन नूडल्स मेरी स्टाइल में। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/2 किलो बोनलेस चिकन ले लिए हैं। मैं उसको इतने बड़े पीस में कट कर ली हूँ और इसको धुल के हम रख लिए हैं। इसको मैं मैरिनेट करके बनाऊँगी। इसमें डालने के लिए मैं 5 हरी मिर्ची ली हूँ, इतना लहसुन ली हूँ 1 चम्मच, इसमें पेस्ट होएगा इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, इसको हम पीस लेंगे, चिकन में डालेंगे। और ये मैं भाजी ली हूँ 1/2 पत्ता गोभी और 1 गाजर, 1 शिमला मिर्ची, 1 कांदा, इसको हम पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे। इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का है, लहसुन 10 से 12, 4 हरी मिर्ची, उसको हम बारीक बारीक कतर लेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्ची कश्मीरी पाउडर, इससे कलर भी अच्छा हो जाएगा और तलक भी होता है। 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे हम, इससे भी बहुत अच्छा तलकपना होएगा चिकन में। ये जो हम पीसे हैं मिर्ची, अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, उसको मिला देते हैं। और 1/2 नींबू का रस, सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसे हमें रखना नहीं है ज्यादा देर तक मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी पीस बहुत है और नमक और नींबू जाएगा तो ऐसे ही इतना अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। बस जब तक हम अपनी सब्जी को काट लेते हैं उतनी देर तक हम इसको रखेंगे खाली। नूडल्स उबाल लेते हैं। नूडल्स उबालने के लिए मैं एक टोप में 1 लीटर तक पानी ले ली हूँ। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक भी डाल देते हैं। और मैं इस तरीके का नूडल्स ली हूँ, आपको कैसा पसंद है आप उस तरीके का बना सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाता हो। कोई कोई पतला भी रहता है, कोई कोई थोड़ा मोटा भी रहता है। हम इसको 4 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे। इसको हम ऐसा थोड़ा चला देंगे ताकि इसके जो लड़छे लड़छे हैं वो छूट जाएंगे। जब तक हमारा नूडल्स उबल रहा है तब तक हम चिकन को भी पका लेते हैं। मैं 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ इसमें। चिकन को हम मिला लेंगे, फिर इसमें डालते हैं। मैं इसमें पानी में कुछ भी नहीं डालूंगी, जितना ये पानी छोड़ेगा उतने में ही हमारा चिकन गल जाएगा, क्योंकि एकदम सॉफ्ट हो गया है। और बस 5 से 6 मिनट तक खाली हम इसको पका लेंगे, उतने में गल भी जाएगा और पानी भी इसका सूख जाएगा। मैं इसमें कलर नहीं डाली हूँ, आपको चाहिए तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा लाल रखना है, ऐसे इससे भी अच्छा होता है। 5 मिनट हो चुका है हमारे नूडल्स को उबल के, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम अंदर से पक गया है, इतने ही गला हमको चाहिए। अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं और नूडल्स को छान लेते हैं पानी से। ये हमारा चिकन भी एकदम अच्छे से पक चुका है, इसका पानी भी एकदम अच्छा सूख गया है, इसे हम भून लिए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। नूडल्स में डालने के लिए हम 2 अंडा भी ले लिए हैं, इसको तोड़ के इसमें हल्का सा नमक डाल के हम मिला लिए हैं। और एक टोप में हम 1 चम्मच तेल डाल दिए, इसको हम इस तरीके से चला लेंगे ताकि ये थोड़े थोड़े टुकड़े हो जाए। अंडे को निकाल लेते हैं, नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। मैं 1 टोप में 2 चम्मच तेल डाली हूँ, ये जो हम कतर के रखे थे वो हम डाल लेते हैं इसमें। लहसुन अदरक हरी मिर्ची को इस तरीके से हम कतर लेंगे, इसको हम बस खाली 1 मिनट तक भूनेंगे, इतने में ये कच्चापन इसका निकल जाएगा। अभी हमारे मसाले को 1 मिनट हो चुका है भुना के, अब हम इसमें जो सब्जियां काटे थे वो डाल देते हैं। सबसे पहले मैं गाजर डाल रही हूँ,
इसको हम थोड़ा सा मिलाएंगे और आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हो। मैं खाली बस इतनी ही डालूंगी। अभी हम प्याज को डाल देते हैं। अब हम प्याज और गाजर को दोनों को चला लेते हैं एक मिनट तक। हम इसको भी भून लेंगे ताकि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी अपने घर में बना के खाएंगे तो आप बाहर का खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट होता है। हम अपने हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से बनाते हैं सब चीज़ें, सब डालते हैं जो हमको पसंद आती है। अब हम डाल देते हैं इसमें शिमला मिर्ची, और इस तरीके से इतनी लंबी लंबी कट की थी। गाजर भी लंबी लंबी और शिमला मिर्ची भी लंबी लंबी। चिकन भी हमारा उसी तरीके से है, थोड़ा मैं गोल गोल नहीं कटती हूँ, लंबी लंबी पीस में कटती हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी तरीके का ले सकते हैं। अब हमारी ये सब भाजियाँ भुना चुकी है, तोटे हो गई है। अब हम पत्ता गोभी डाल देते हैं। इसको डाल के हम बस 30 सेकंड के लिए चलाएंगे। ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको लास्ट में डालेंगे। अभी हमारी सब्जियां सोटे हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो अंडा हम इस तरीके से बना के रखे थे वो डाल देते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम क्या क्या सॉस डाल रहे हैं वो हम डाल देते हैं। ये 1/2 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच शेजवान चटनी। ये सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सारे सॉस भी नमक वाले हैं, और चिकन में भी हमारे नमक गया है, नूडल्स में भी गया है। आप अगर डालें तो चेक करके डालें। 1 चम्मच हम नूडल्स मसाला भी डाल रहे हैं। आपको चाहिए तो आप डालें, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं डालें। मैं भी कभी कभार नहीं डालती हूँ। सोया सॉस भी डाल के बनाएंगे तो भी बहुत टेस्टी होता है। अब हम चिकन भी ऐड कर देते हैं। इसको भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें नूडल्स भी डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है, एकदम मसाला मसाला चटकारा सा ही देख के लग रहा है। आप अपने हिसाब से मिर्च मसाला सब डाल सकते हैं। मैं इतना डाली हूँ कि जितने में एकदम अच्छा चटपटा सा हुआ है। अब हम नूडल्स डाल के भी अच्छे से मिला लेते हैं, और हमारा नूडल्स भी एकदम अच्छा खिला खिला हुआ है, जरा सा चिपका नहीं है। अभी मिलाएंगे तो एकदम अच्छे से सब अलग अलग दिखेगा, भाजियों के जैसा लड़छे लड़छे में। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा कांदा भी डाल देते हैं। इसके बिना नूडल्स अधूरा लगता है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा यम्मी सा नूडल्स बनके तैयार हो चुका है। इसे सॉफ्ट कर देते हैं। ये हमारा रेस्टोरेंट से भी अच्छा चिकन नूडल्स बनके तैयार हो चुका है। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप भी जरूर बना के ट्राई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए।